निकाल लिए भैंस का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम है, सूरज माशाल्लाह निकल गया है, नमाज मैंने पढ़ ली है। आपको मैं दिखाता हूँ माशाल्लाह सूरज कैसे तलो रहा है। क्या जबरदस्त नज़ारा है, कुदरत खुदा की चेक करें। सुबह अल्लाह मोहम्मद का नाम लेके जो आगाज़ होता है ना, सुबहान अल्लाह, क्या ही बात, माशाल्लाह। मुर्गियाँ, ये बत्तख, बत्तख की एक नस्ल है मग, हम तो इसे अपनी ज़बान में बोलते हैं। ये जोड़ा लेके आया था, लेकिन अब ये एक ही बच्चा हुआ है। इसका जो साथी था ना मेल, ये फीमेल है, वो वाला आलम किधर चला गया है, वो मुझे मिला ही नहीं। अब पता किया हुआ है मैंने, वो एक दो दिन में जो है ना मैंने ले आना है। माशाल्लाह ये जानवर है मेरे रखे हुए हैं। अभी वो सामने बाल्टी आई पड़ी है, दूध निकालना है, ये बोल रही है दूध के लिए। इसकी माँ वो खड़ी है, ये जो भैंस है इसका बेटा वो खड़ा है। अब ये मिलती है शाम को, वो दूध देती है सुबह को, या अब इसकी बारी है। उसके बाद वो लास्ट वाली गाय, वो और जो रेड वाली, ये दोनों टाइम जो है ना दूध देती हैं, सुबह को भी और शाम को भी। रेड वाले का जो है ना बेटा ये खड़ा है, उस वाले की बेटी ये खड़ी है। अभी दूध निकालते हैं, दूध निकाल लिए भैंस का। ये पालक है बड़ी, वो धनिया है और वो मेथी है बड़ी, ये साथ वाले ने। ये देखिए माशाल्लाह, ये गाजरें जो है ना ये लगाई हैं, ये शायद घुंगलू हैं, शलजम। ये देखिए आपको, ये खेलों के ऊपर माशाल्लाह निकले पड़ी है। सब्जी तकरीबन सारी निकल आई है। ट्रैक्टर में डीजल कम हो गया था, मैं जो है ना तकरीबन आज से जब 143 रुपए था ना पर लीटर डीजल, तो उस वक्त मैंने एक ड्रम उठा लिया था, तो मैंने कहा उसमें से आप डाल लेते हैं, खुद की जो आप बिजाई शुरू हो गई है। तो ये है सर वो ड्रम भैया, उसमें डाल रहे हैं, ये इसमें निकाल लेंगे हम। अक्सर कहते हैं कि डीजल का जो है ना अंदर मोबाइल मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारा आजकल का डीजल जो है ना वो सही नहीं आता। तो ये मेरे पास अलगाज़ी की केन पड़ी थी मोबाइल की, मैंने कहा ये उसमें डाल लेते हैं, पानी बस 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 बस, ये मिक्स हो गया ना, इस वजह से ये नवजलों और डीजल पंप के अंदर कचरा वगैरह का इतना मसला नहीं बनेगा ये मोबाइल डालने से। वो बाल्टी एक इसमें मुकम्मल डाली है भर के, दूसरी आधी उन तकरीबन देख लें वो भी पूरी भरी हुई थी और थोड़ी बचा ली है, वो भी इसमें डाल दिए। अब ये दोनों बाल्टियाँ जाके जो है ना टैंकी में डालेंगे। ये आजकल के लिए किसानों के लिए समझो खून से भी बढ़ के है डीजल जो है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। और बस ठीक, इसका पानी चेक करते हैं, सॉरी तेल डाल लिया, अब रेडिएटर का पानी चेक कर लेंगे, फिर इसका मोबाइल चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। जब भी आप ट्रैक्टर स्टार्ट करने लगो ये तीन चार चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, पहले इसका ऑयल का, तेल का और पानी। ये रही चाबी, करते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट। तेल पानी इसका मुकम्मल कर लिया चेक मैंने, ये देखें ये ऑयल गेज वाली जो है ना लाइट है, ये जनरेटर लाइट है,
इसको करेंगे न्यूट्रल, थोड़ी सी रेस देंगे। बुआ दी आराम नाल, आराम नाल। कुंडा नहीं है लिता, ये अगे कौन है दिता भैया? सर ये ट्राली लेके आए थे, ये भाई ऊपर जो खड़े हैं ना ट्राली पे, इनके जो है ना ये लकड़ियां घर ऊपर लोड करके फेंक रहे थे। माशाल्लाह गांव में ना लोग इस तरह अपने राह इसके लिए ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, क्योंकि सारा साल इन्होंने लकड़ी ही जलानी होती है चूल्हे के अंदर, तो इस वजह से ये कीकर की और जो है ना इधर ये कपास की लकड़ियाँ वगैरह क्योंकि ये सिटी में तो गैस की सहूलत अवेलेबल होती है लेकिन इधर सहूलत अवेलेबल नहीं होती, तो इस वजह से जो है ना ये लकड़ियाँ वगैरह ऐसे ही इकट्ठी कर रहे हैं। ये जो लकड़ी उठाई हुई है ना इसको हम कहते हैं सांगल, साड़ला होते, तो इसके जरिए जो है ना आके ये ऊपर लोड करते हैं हम।